केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के साथ धोखा करार दिया है और सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और आरोप लगाया कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। रैली को संबोधित करने के बाद बदनी कला से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही कांग्रेस नेता और किसान ट्रैक्टर लेकर मोगा पहुंच चुके थे। ट्रैक्टर यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। पूरे काफिले के साथ साथ काफी संख्या में सुरक्षा बल भी चल रहा था। राहुल जिस ट्रैक्टर में बैठे थे उसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ चला रहे थे, साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बैठे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।